अभी हम तैलिक साहू सभा भवन पटना में हैं और हमारे सामने बैठे हुए हैं ओम बाबू ओम प्रकाश जी और इन्होंने साहू समाज को सींचा है। अब इनसे जानते हैं कि साहू समाज के प्रति इनका क्या भावना है और आज का जो चिंतन बैठक रखा गया है उनका मुख्य मुद्दा क्या है। जी ओम बाबू बताइए। जी साहू समाज को मैं कम से कम 15 बरस से ज्यादा साहू समाज का सेवा दिया, बिल्डिंग को बनाने में कृष्ण बाबू के साथ मेरे पूरा सहयोग रहा। आज का चिंतन बैठक जो था उसमें तो बहुत लोग बहुत किस्म की बात बोले, लेकिन ज्यादातर लोग अपने बारे में बखान किए कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं खड़ा होगा मेरे टिकट का इंडिपेंडेंट रहेगा तो इंडिपेंडेंट, ये नहीं। समाज का एक मुख्य एजेंडा जो था, समाज की भूमिका क्या होगी, समाज की भूमिका के बारे में बहुत कम लोग ही बोले, तो थोड़ा बहुत बोले कि भाई इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाहिए, समाज खड़ा होना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन समाज को आह्वान करना चाहिए था कि अगर कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने समाज का कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है तो सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने समाज के लोग को मिल के तन मन धन से उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई नेता दूसरे पार्टी को अपने को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं तो वो बैठे हैं, लेकिन वो अपने घर का वोट भी उनको दिलवा दे और अपने सपोर्टर को कहे कि उनको सपोर्ट करो, ये बात तो किसी ने नहीं कही। समाज की भूमिका का मतलब है समाज की भूमिका, न कि हम आम आम पर अकेले खड़ा हो जाएंगे इंडिपेंडेंट की, समाज की भूमिका क्या हुई, ये तो अपना अपना एक कैंडिडेट का अपना अपना व्यू हुआ, अपना अपना विचार हुआ, तो उन्होंने रखा। खैर यहाँ तक हुआ है कि इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट खड़ा होने के बाद उसी तरीके से अगर कहीं पर टिकट मिलता है किसी गठबंधन से या NDA से या कहीं से टिकट समाज के लोग को मिलता है तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हमारे समाज में उनका आप उनको डर है तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के ऑफिशियल कैंडिडेट को सपोर्ट करें, तन मन धन से अंदर से अंदरूनी सपोर्ट करें जिससे कि वो जीत जाए। ये ना सोचे, कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि ये पुराना पार्टी से जीत जाएगा हमारा तो इसको क्या खत्म हो जाएगा, ये सोचने से न उनको फायदा होगा ना आपको फायदा होगा। आप जैसे कि हमारे हाल फिलहाल पूरे बिहार में आपके समाज से कितने लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं पार्टी से या निर्दलीय, जैसे कि आज 7 घोषित किया गया है, 7 लोग अपना बताएं कि हम चुनाव लड़ेंगे। 7 लोग के अलावा भी और लोग हैं, कम से कम 13-14 लोग का नाम तो राजद के लिए भेजा गया है जी, साहू समाज से भेजा गया है जी राजद के लिए, उसका जदयू का डेलीगेट अलग मिला है जी, उसमें सूर्य कुमार पिंटू जी के अध्यक्षता उसमें बीजेपी है, बीजेपी के साथ भी लोग मिले तो मिला जुला के हम समझते हैं 40 सुपर कैंडिडेट के मेरी पॉलिटिकल पार्टी पोलिटिकल पार्टी कैंडिडेट के आते हैं, कितने को मिलता है ये तो टिकट मिले, यानी 40 उम्मीदवार हैं पूरे बिहार में तैलिक साहू सभा से चुनाव लड़ने ऊपर ही होंगे। हमारे बाबू ओम हमारे साथ ओम बाबू हैं और हम लोग ऑफिस में पटना